नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मेरे चैनल finco.com में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेनल इंटरेस्ट के बारे में। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई लोन लिया है और आप जब स्टेटमेंट देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट आपके खाते में लग रहा है, जो ब्याज लग रहा है, वो बताया गया यानी कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट से कुछ ज़्यादा लग रहा है? आप कैलकुलेट करते हैं ऐसा कि आपके साथ होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि बैंक आपके अकाउंट में कभी कभी पेनल इंटरेस्ट लगाता है। पेनल इंटरेस्ट कब लगता है? ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रहने के लिए किया जाता है कि जो कस्टमर हैं यानी जिसने लोन लिया है वह फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रहे। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, अगर वो आपने नहीं पूरी करी तो आपके खाते में पेनल इंटरेस्ट लगता है। इसमें ऐसी कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे आपने होम लोन या कार लोन या पर्सनल लोन लिया है और आपने अपना जो ओवर ड्यू हो गया है आपका अमाउंट, उसको समय से नहीं चुकाया, तो आपके ऊपर बैंक 1 या 2% का पेनल इंटरेस्ट लगाएंगे। तो इंटरेस्ट के ऊपर इसमें इंटरेस्ट लगता है और ये इंटरेस्ट जाके जुड़ता है आपके मूल में यानी प्रिंसिपल में। तो प्रिंसिपल में जुड़ा आपका इंटरेस्ट और फिर उस इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट लगता है, यानी कि ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग जाता है आपके अकाउंट में और आपको इसलिए ऐसा लगता है कि आपके अकाउंट में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। अगर आपने बिजनेस लोन लिया है तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, कैसे, जैसे कि आपने अगर समय पर लोन रिन्यू नहीं कराया या आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट वगैरह सही से टाइम पे जमा नहीं कराई तो भी बैंक आपके खाते में 1 या 2% का जो है पेनल इंटरेस्ट लगा देता है। यानी आपने स्टॉक स्टेटमेंट जमा नहीं किया तो भी शायद आपके अकाउंट में बैंक अपनी पॉलिसीज की, अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, उसके हिसाब से 1 या 2% पेनल इंटरेस्ट लगाते हैं जो आपके प्रिंसिपल में जुड़ता है और अल्टीमेटली कंपाउंड होके आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये सब देखा और उसने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2024 से बैंकों को पैनल इंटरेस्ट नहीं लगाना है। इससे कस्टमर का बहुत नुकसान हो रहा है। भले ये कस्टमर को फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रखने के लिए लगाया जाता है, लेकिन बैंक इसका इस्तेमाल अपना इनकम बढ़ाने के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। तो आरबीआई ने बोला अगर आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रखना है तो आप पैनल इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। अगर बैंकों को अब लगाना है तो वो पैनल चार्जेस यानी पीनल चार्जेस लगा सकते हैं। तो पीनल चार्जेस में क्या होता है, आपका सिर्फ चार्जेस लगेगा, वो एक चार्ज आपको जब भी सैंक्शन होगा उस टाइम पे बताया जाएगा बैंक के द्वारा, और अगर आपने वो कंडीशन नहीं मानी तो आपके अकाउंट में पेनल चार्जेस लगेगा। अब पेनल इंटरेस्ट में आपके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता था, लेकिन पेनल चार्जेस में यह आपका कैपिटलाइज नहीं होगा, मतलब मूल में नहीं जुड़ेगा, इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा अतिरिक्त ब्याज। तो आपका सिर्फ चार्जेस लगेगा और ब्याज आपका मूलधन के ऊपर ही लगेगा या नॉर्मल इंटरेस्ट जो है, जैसे कि आपके लोन पे ब्याज लगता है 1,000 रुपये, तो आपका लोन 1 लाख रुपए है, उस पर 1,000 रुपये ब्याज लगा तो 1,01,000 हो गया, इसके ऊपर फिर ब्याज लगेगा 1,01,000 के ऊपर। लेकिन अगर पेनल चार्जेस आपका लग गया 500 रुपये तो आपका जो ब्याज है वो 1,01,000 पर ही लगेगा, ना कि 1,01,500 पर। तो नॉर्मल ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा लेकिन जो पेनल चार्जेस है उसके ऊपर आपका ब्याज नहीं लगेगा। ये आरबीआई की नई गाइडलाइन है, 1 जनवरी 2024 से इसको लागू किया जाएगा। इसमें आरबीआई ने यह भी कहा है कि जो पिनल चार्जेस हैं ये इंडिविजुअल जो लोग हैं, जो जैसे कि रिटेल कस्टमर इंडिविजुअल कस्टमर हैं, उसके लिए नॉन इंडिविजुअल कस्टमर जैसे कि कंपनीज हो गई, फर्म्स हो गई, उनसे ज़्यादा नहीं हो सकते। नॉन इंडिविजुअल बोरोवर से कम रहेंगे पिनल चार्जेस इंडिविजुअल बोरोवर के लिए। तो ये भी आरबीआई ने जो है, जो इंडिविजुअल हैं रिटेल कस्टमर होते हैं उनको ये एक अच्छी राहत दी है कि उन पे उनसे नॉन इंडिविजुअल से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट या पिनल चार्जेस नहीं लगा सकते। तो इस इंटरेस्ट रेट का जो ये हटाया गया है पिनल इंटरेस्ट को और इसकी जगह पिनल चार्जेस आया है, तो इस सर्कुलर के माध्यम से आरबीआई ने कस्टमर्स को राहत दी है, उनके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा और यह सब बैंक को उसके लोन एग्रीमेंट में बताना होगा। लोन जब होगा उसके एग्रीमेंट में आपके चार्जेस भी बताए जाएंगे और यह सब लिखा जाएगा। तो इससे काफ़ी फायदा होगा, आरबीआई ने सर्कुलर जो लाया है इससे लोन के ग्राहकों को काफ़ी फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको भी फायदा होगा, आपको ये जानकारी मिली है और आप अपना स्टेटमेंट चेक कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आपके लोन में पिनल चार्जेस या पिनल इंटरेस्ट तो नहीं लग रहा है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर कीजिए बाकी लोगों के साथ, जिन्होंने अगर आपके लोन लिया है, जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके लोन में ज़्यादा ब्याज लग रहा है जो बताया गया है, तो इस वीडियो के माध्यम से वो ये जान सकेंगे। और अपने बैंक से जरूर पूछिए कि क्या इसमें पेनल इंटरेस्ट है, अगर है तो कितना है और किस कंडीशन को ना मानने पर या ना पूरा करने पर ये पेनल इंटरेस्ट या पेनल चार्ज लगता है, ये जरूर पूछिए। तो आप अच्छे से अपना लोन चुका पाएंगे, समय पर चुका पाएंगे,
पाएंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ब्याज पे ब्याज बढ़ता जा रहा है और लोन खत्म नहीं हो रहा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।